अदालत केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत के रहम व करम पर हूँ निहाल हाशमी की जानिब से कहा गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो बातें आपने कही हैं क्या वो काबिले रहम हैं, जो बातें की हैं क्या वो आप अपनी जात के लिए कर सकते हैं, यह इस्तफसार किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से। अल्लाह जानता है मैं अपने किए पर नादिम हूँ, निहाल हाशमी की जानिब से ये कहा गया। अल्लाह को बीच में ना लाएं, चीफ जस्टिस मियां साकिब निसाद ने यह कहा। निहाल हाशमी ने कहा, मैंने अदालत के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, हम वीडियो दोबारा दिखा देते हैं, चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। अगर मैंने ऐसी बातें अदालत के बारे में की हों मैं शरब से डूब मरूं, चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा। बताएं जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो किसको कहे, चीफ जस्टिस की जानिब से सवाल पूछा गया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, चुप हो जाओ, चीफ जस्टिस का निहाल हाशमी से मुकालमा। कल अगर मेरा बेटा पकड़ा गया तो वकील के जरिए दिफा करूंगा, चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया। निहाल हाशमी की वीडियो अदालत में चलाई गई, ये अल्फाज इस्तेमाल किए, इस पर शर्म नहीं आती, चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया। दिल की तकलीफ का झूठ बोलकर अस्पताल में लेटे रहे, चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया। जेल में जो महफिलें चलाते रहे हमें सब पता है, अब भी इस शख्स को कोई पशेमानी नहीं है और ये झूठ बोल रहा है, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। हम तो पीसीओ जजेस के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते, रशीद रिजवी की जानिब से ये कहा गया। बार को चाहिए था कि फौरन एक्शन लिया जाता, क्या निहाल हाशमी बार का नुमाइंदा रह सकता है, चीफ जस्टिस की जानिब से सवाल पूछा गया।